कले तलने कैसे आपके कले तलने कैसे आपके बावत ब्रह्माद कमनिना प्रद बावत ब्रह्माद कमनिना प्रद कल में कवे ज्ञान विसारद बाल पीक दे ज्ञान विसारद सुख संतार शेष अनुसारद सुख संतार शेष अनुसारद बरनि पवन सुत के रतने के आलत भवत वेद पुराण अष्टदश भवत वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब ग्रंथन कोरस छह शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मन जन धन संतन को सर्वस मन जन धन सारंस सम्मान सदहिते आरती श्री रामायण की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुभट संभव मुनि बेज्ञानी अरुभट संभव मुनि बेज्ञानी व्यासवादि कवि बरज बखाने व्यासवादि कवि बरज बखाने पाप भूषण करुण के आरत श्री कलिमल हरि विषय रस भी कलिमल हरि विषय रस भी सुभग सिंगार मोते जुबती के सुभग सिंगार मोते जुबती के दलन रोग भव भूरी अमेके दलन रोग भव तुमात सब के दे तुलसी के आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कले तलर तसिया के रत कले तलर तसिया के रामायण यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यं षण्णः तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ॐ अञ्जनानन्दनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररशालपुष्पैं बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी वेस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद
नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणो परमेश्वरं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरं। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु कथा करूंगा। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य परहंता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की लोकाभिराम रण रंग धीरम राजीव ने
रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व नै रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकीन हो जग का कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सत सियाराम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जो रे जोग पान श्री सीताराम जी महाराज की श्री राम कृष्ण भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्तिवांछा कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार की वांग्मयी प्रतिशब्द मूर्ति श्री रामचरित मानस भूतभावन भोलेनाथ शिव के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम, हनुमान जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम, श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बार बार वंदन, मुख्य जमान श्री सुरेश गर्ग श्रीमती सरिता गर्ग शिवम शुभम एवं समस्त परिवार, आयोजक श्री भागवत कथा संस्था समस्त पदाधिकारी आए हुए श्रीमत भक्तिमती माताओं एवं सज्जनों एवं उपस्थित संत वृंद सादर प्रणाम। आज रामचरितमानस के अष्टम दिवस में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। अष्टम का अर्थ होता है अष्टांग योग भी। जब अष्टांग योग का जीव आश्रय लेता है तो राम के चरणारविंदों का आश्रय मिलता है, या तो यूं कहें कि भगवान श्री राम के चरणों में अनुराग होता है, प्रीति बढ़ती है। और जब मन राम के राघव के चरणों में लगता है तो धीरे धीरे भगवान में हमारी समस्त वृत्तियां, इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त सभी भगवान के चरणों में जाकर के लगता है। फिर हमारे रोम रोम से राम 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 ही निकलता है। फिर जीव संसार को भूल जाता है। जब मन बुद्धि चित्त समस्त प्रकार की इंद्रियां वृत्तियां जब राम राम बोलती है तो राघव नजदीक होता है। भरत भैया उनका जीवन ही राममय है। भरत जी राम के दर्शन के लिए ही हैं, राम की भक्ति के लिए ही हैं। भरत जी राम राम कहते हैं और राम भरत भरत कहते हैं। राम और भरत का बहुत प्रिय वृत्तांत है। राम और भरत के इस वृत्तांत को सुनकर कि हमारे मन में
भाई भाई में प्रेम उत्पन्न होता है, भूल जाते हैं सब वैर को, भूल जाते हैं सब दुर्वासना को। जैसा प्रेम भरत का और राम का हुआ, राम तो बहुत ऊंचे संत हैं साहब, भरत तो बहुत ऊंचे संत हैं। भरत की जीवन में केवल राम दर्शन है, राम स्मरण है, और कोई दूसरा चिंतन है ही नहीं। कि संपत्ति संपत चकई भरत चक मुनि आयस खिलवान तहिं निस्वाश्रम पिंजरा राखे भानुसार। जैसे कि हम किसी पक्षी को एक पिंजरे में बंद करके रखते हैं, वैसे ही भरत राम को अपने हृदय में बंद करके रखते हैं। ऐसे ही हमें हमारे राघव को, अपने इष्ट को, अपने गुरुदेव को अपने हृदय में बिठा करके रखना चाहिए। गति नहीं है साहब बिना राम के, जिसके ही ये राम न बसे वह शरीर किस काम का, जिसके हृदय में राम नहीं है वह शरीर व्यर्थ है, जिसके आत्मा में राम बैठा है, जिसके हृदय में राम बैठा है वही जीव और भक्त मनुष्य कहलाने के योग्य है, अन्यथा नहीं। जब तक हृदय में राम का प्रागट्य नहीं होगा, राम की भक्ति का उदय नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में प्रकाश नहीं होगा। प्रकाश तभी होगा जब राम 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 चिंतन किया जाएगा। भरत जी जहां जहां राम रुके वहां वहां स्थानों पर रुके, जहां जहां वास किया वहां स्थानों पर वास किया, जिन जिन मुनियों का दर्शन राम ने किया वहां वहां भरत ने भी किया। अगस्त मुनि, वाल्मीकि, भरद्वाज मुनि आदि सभी के यहां होते हुए आगे बढ़े। भरत जी के जीवन में केवल चिंतन है। अगर भरत जी स्वार्थी होते तो राजगद्दी पर बैठ जाते, राज्य तिलक हो जाता, लेकिन नहीं। भरत जी के मन में श्रेष्ठ की पहचान है। श्रेष्ठ कौन है? जो हमसे बड़े हैं, जो संत हैं, गुरुजन हैं, वह श्रेष्ठ हैं। माता हैं, पिता हैं, वो श्रेष्ठ हैं। जो हमको शिक्षा प्रदान करे वह श्रेष्ठ है। जो सबका सबको आश्रय दे, जो सबका ध्यान रखे वह श्रेष्ठ है। श्रेष्ठत्व तो व्यक्ति के जीवन में तभी आता है जब हम अपने बच्चों का ध्यान करते हैं, तो तभी तो बच्चे हमें पिता कहते हैं। लोग कहते हैं ये आपकी माता हैं, ये आपके पिता हैं, ये आपके ताऊ जी हैं, ये आपके बाबा जी हैं, ये आपके दादाजी हैं, ये था जो भी। और उसके मन में ये भाव होता है कि ये मेरे परिजन हैं, ये मेरे श्रेष्ठ हैं, ये बड़े हैं, ये सम्माननीय हैं। इसलिए भरत जा रहे हैं, भरत के मन में विचार बिल्कुल नहीं आया कि मैं राजगद्दी का मालिक हो जाऊं, और आए भी क्यों? जब तक पिता घर में है तब तक पुत्र को कोई चिंता नहीं होती और न करनी चाहिए। सारा भार अपने पिता के ऊपर, जब तक पिता है तब तक पुत्र स्वतंत्र है। अरे पिता सर पर बैठे हैं, अब हमें किस बात की चिंता? कोई बात हो जाए, कोई ऊंच नीच हो जाए तो पिता से पूछते हैं, पिताजी हमने ये काम किया, ये सही है गलत है, करें कि नहीं करें? और राम तो जगत पिता हैं,
भरत कहते हैं कि मेरे से मेरा जो जन्म हुआ है केवल राम भक्ति के लिए हुआ है, राज सिंहासन के लिए नहीं हुआ, सत्ता के लिए नहीं हुआ। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे तो राम के चरणों की भक्ति ही चाहिए। और जिसके जीवन में भक्ति है उसको ऐसो राम नहीं चाहिए। जो अपने श्रेष्ठों को अपने बड़ों को आदर देता है वह कभी उनके सिंहासन के बराबर नहीं बैठता, उनके सामने नहीं बैठता, नीचे बैठेंगे। अगर भगवान उनके गुरु माता पिता अगर ऊपर बैठे हैं तो पुत्र का अधिकार है वो नीचे ही बैठना चाहिए। उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, तभी जीवन में आनंद की अनुभूति व्यक्ति को होती है। कि कीनू निमा जानू, कीन निमा जानू तीरथ राजा। पूरे परिवार के साथ और गुरुजनों के साथ में, अपने श्रेष्ठों के साथ में राम को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। कि भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम धुन गाते जा रहे हैं, राम 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 राम, और चलते जा रहे हैं। ना भरत कांटे देख रहे हैं, ना भरत कंकरीली पत्थर देख रहे हैं, ना कोई पाषाण देख रहे हैं, लेकिन राम जी जब गए थे उस मार्ग से तब वहां विनय राम जी ने पहले ही किए हैं कि मेरे भरत भैया जब आएंगे तो जो कांटे हैं वह फूलों में परिणत हो जाना, और जो पत्थर है कंक्रीट है यह सब गद्दे के जैसे हो जाना। ऐसा संत कहते हैं कि अभी भी वहां चित्रकूट में जहां जहां से व्रत गए वहां के पत्थर भी अभी अभी भी पिघले हुए हैं, जहां जहां पग रखे भरत जी ने। भरत जानते हैं कि राम
मेरा हर पल चिंतन करते हैं। और राम जानते हैं कि भरत मेरा